हुकूमत वक्त ने अपने 100 दिन की तकरीब की और उसमें जो गुफ्तगू की वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू इतनी गैर ज़रूरी निकली कि उनके अपने साथियों के साथ इख्तलाफात और लड़ाइयों के चर्चे शुरू हो गए कि उनके क्लेम्स जाली निकले, इसीलिए उनकी जमात की सीनियर क़यादत के साथ इख्तलाफात की खबरें बाहर आईं। इस्तीफ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर इतनी बड़ी खबर निकली है तो कुछ तो हुआ है। इन गवर्नमेंट का पता नहीं क्या अलमिया है, कभी ये सुनामी जैसे मनफी लफ्ज़ को, तबाही और बर्बादी की अलामत को सियासत के अंदर मुरव्वज कर लेते हैं, कभी यू टर्न जैसे मनफी अमल को, मनफी लफ्ज़ को इस्तेमाल करके उसको दिफा करना शुरू कर देते हैं, और कभी गुगली जैसे, यानी चीट कर, गुगली करने क्या कहते हैं, चीट करना, इसके अमल को और ताना जनी को अपनी सफारती जबान में इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फरमाया नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है, और नैब पे बड़ी मायूसी का इजहार किया। हम भी नैब से मायूस हैं, कौम भी मायूस है, वज़ीर आज़म साहब जो सबसे बड़े उसके दाई थे वो भी उससे मायूस हैं, और कहते हैं हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटोनोमस इदारा है। तो हजूर वाला, आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि उस ऑटोनोमस इदारे के खद्दो खाल को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है।